मैं मनीष प्रियदर्शी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से प्रोग्रेस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, देखिए यहाँ ध्यान से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी कॉमा बी कॉमा सी एंड डी। ठीक, तो चारों का वैल्यू ए बी सी और डी का वैल्यू निकालना है फ्रॉम द इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन दिया, उस इक्वेशन का यूज करके आपको क्या करनी है कि ए बी सी डी का वैल्यू पता लगाना है। तो देखिए उसको पता लगाने के लिए कैसे क्या करते हैं उसको देखिएगा। देखिए ए माइनस, देखिए आपको भी पता है कि अगर मैट्रिक्स इक्वल होता है, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होता है वो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होता है क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखिए a माइनस बी किसके बराबर होगा, माइनस वन के बराबर होगा। 2a माइनस बी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। 2a प्लस सी किसके बराबर होगा, फाइव के बराबर होगा। और 3c प्लस डी किसके, 13 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले लिख लेंगे, देखिए तो a माइनस बी कितना होगा, बराबर होगा माइनस वन के बराबर हो जाएगा। 2a माइनस बी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। एक इक्वेशन, ए इक्वेशन हो गया, इसको सोल्व, मान लीजिए इसको इक्वेशन वन ले लीजिएगा, इसको इक्वेशन टू ले लीजिए। अभी दोनों को सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करिएगा तो मान लीजिए अगर सब्सट्रैक्ट करिएगा तो ए में से 2a जाएगा, देखिए माइनस ए प्लस बी, और बी कट जाएगा, ए माइनस 2a के माइनस ए, माइनस वन से जीरो कटेगा तो माइनस वन। तो देखिए तो दोनों तरह से माइनस कट जाएगा तो ए बराबर कितना आ जाएगा आपका, वन आ गया। ए का वैल्यू आपको वन यहाँ पे अगर डाल देते हैं, यहाँ पे वन डाल देते हैं तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए देखिए इक्वेशन टू में सोल्व करते हैं। देखिए टू ए माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है, तो यानी कितना बी बराबर कितना हो जाएगा, टू ए। अच्छा ए बराबर वन पुट कर देते तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, टू इंटू वन यानी कितना, दो। तो बी का वैल्यू भी आपको क्या मिल गया, दो मिल गया, ए का वैल्यू वन मिल गया। अच्छा अब देखिए 2a प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पाँच दिया हुआ है। ए का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर देंगे, देखिए यहाँ पे देखिए 2a प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पाँच दिया हुआ है। अच्छा ये आपको पता है कि कितना आया है, ये वन आया था तो यहाँ डाल दीजिए, टू इंटू वन प्लस सी इक्वल टू कितना, फाइव। तो c बराबर कितना हो जाएगा, फाइव, टू उधर जाएगा तो फाइव माइनस टू यानी कितना, थ्री। c का वैल्यू कितना आ गया, थ्री आ गया। अच्छा अब आपको देखिए यहाँ पे देखिए 3c प्लस डी इक्वल टू कितना, थर्टीन है, तो इसे d वैल्यू आ जाएगा, 3c प्लस डी इक्वल टू कितना है, थर्टीन है। तो 3c प्लस डी इक्वल टू कितना, थर्टीन यहाँ दिया हुआ है। तो c का वैल्यू थ्री डाल देंगे, तो c का वैल्यू डालिए तो थ्री इंटू थ्री प्लस डी इक्वल टू कितना, थर्टीन। डी बराबर कितना हो जाएगा, थर्टीन माइनस नाइन। तो डी का वैल्यू कितना आ गया आपका, फोर आ गया, ए आपका राइट आंसर हो गया। तो ए बी सी डी हम लोग को जो रिक्वायरमेंट था, ए वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, वो आपका फुलफिल हो गया। आगे की ओर नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एट नंबर सवाल है कि ए बराबर ए आई जेड एम क्रॉस एन यहाँ पे दिया हुआ है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ईफ है, चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए ऐसे लिखा हुआ है ए बराबर ए आई जेड एम क्रॉस एन, ये क्या दिन, इतना ए डिनोट्स है, डिनोट्स ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन ऑर्डर का ए मैट्रिक्स शो करता है कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है, एक मैट्रिक्स शो करता है। अच्छा ठीक है, इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन बोलने का मतलब नंबर ऑफ रो क्या है, एम, कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम कितना, एन। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स देखिएगा क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनेशन देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इन विच
नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। तो बताइए इसमें नंबर ऑफ रो कितना m, नंबर ऑफ कॉलम कितना n, दोनों को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो यानी m इक्वल टू n, m इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका n। तो आपका अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए नाइन्थ नंबर सवाल यहाँ पे है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेज आर इक्वल। मतलब एक्स एंड वाई का कौन सा वैल्यू है जिससे क्या हो कि दोनों मैट्रिसेज इक्वल हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 3x प्लस 7 इक्वल क्या ना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, और 2 माइनस 3x बराबर क्या होना चाहिए, 4 हो, यहाँ पे 4 होना चाहिए। तो पहले x का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए निकालिएगा, देखिए तो 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, यानी 3x इक्वल टू कितना माइनस 7। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 7 बाई 3, यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया माइनस 7 बाई 3। यहाँ से चलते हैं, इससे 2 माइनस 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस 3x इक्वल टू कितना 4, 2 माइनस 3x इक्वल टू क्या होगा 4, तो माइनस 3x इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 यानी 2 हो जाएगा, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 2 बाई 3। आप ही बताइए कि x का वैल्यू यहाँ माइनस 7 बाई 3 आ गया है, यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया आपका माइनस 2 बाई 3 आ गया है। x का दो वैल्यू संभव नहीं होता है, जब भी वैल्यू होगा x का कोई एक ही वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, इसलिए जो आपका जो दोनों मैट्रिक्स हैं किसी भी स्थिति में क्या हो जाएगा कि इक्वल होगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नो पॉसिबल टू फाउंड। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए कि एक्सरसाइज 3.1 का ये लास्ट सवाल है, 10 नंबर सवाल है, इसको ध्यान से समझिएगा, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री, एंट्री मीन्स एलिमेंट की बात होता है, एंट्री बोलिए एलिमेंट होता है, बात एक ही होता है। तो एलिमेंट क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 1 होना चाहिए। एक ऐसी मैट्रिक्स आपको बनाना है 3x3 ऑर्डर का, ठीक है, जिसमें एलिमेंट या तो 0 हो या तो 1 हो। वो कितना नंबर ऑफ मैट्रिसेज ऐसा बन सकता है, तो ये देखिए आप बताइए यहाँ पे मान लीजिए कि अगर पूरा चारों, देखिए इसको समझाने के तरीके के लिए समझते हैं सिर्फ ऐसे ही। पहले देखिए मान लीजिए पूरा वैल्यू क्या हो जाए कि 0 हो जाए, सबको मान लीजिए सिर्फ 0 और 1 लेना है, तो सबको अगर आप 0 ले लीजिएगा, सबको अगर आप 0 ले लेंगे एक मैट्रिक्स बन गया। अगर मान लीजिए कि इसको 0 ले लिए, बाकी सबको 1 ले लेंगे, 1 1 1 1 1 1 एक मैट्रिक्स बन गया। इसको मान लीजिए 1 ले लिए, बाकी सबको 0 ले लिए, एक मैट्रिक्स बन गया। ऐसे कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, मैंने पूछा और टोटल कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं ये पूछ रहा है आपसे। ऐसे तो मैट्रिक्स बनाते जाएंगे, तो ये कितना टोटल बनेगा ये आपसे पूछ रहा है कि ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर कितना 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। तो देखिए इसको बनने के लिए तरीका क्या है, देखिए मान लेते हैं कि मैट्रिक्स 3x3 का इस मैट्रिक्स मान लिए आपको, तो इसमें देखिए ये जो जो नंबर ए वाला एलिमेंट है इसको या तो इस जगह पर 0 या 1 पुट कर सकते, या तो 0 पुट करेंगे या तो 1 पुट करेंगे, या तो 0 पुट करेंगे या तो 1 पुट करेंगे। कितना तरीका से, दो तरीका से इस एलिमेंट को भी या तो 0 पुट कर सकते हैं या तो 1 पुट कर सकते हैं, दो तरीका दो वे से। इसको भी या तो 0 पुट कर सकते हैं या तो 1 पुट कर सकते हैं, इसको भी दो वे से, मतलब इसको दो वे से फिलअप कर सकते हैं, इसको भी दो वे से फिलअप कर सकते हैं, इसको भी दो वे से फिलअप कर, इसको भी दो वे से, 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 इसको भी दो और इसको भी दो वे से, सभी को दो वे से। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स आपसे यहाँ पूछ रहा था, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेज पॉसिबल, कितना नंबर ऑफ मैट्रिसेज संभव है। तो देखिए पहला फिलअप करने के लिए दो वे से, दूसरा को भी दो वे से, तीसरा को भी दो वे, इस तरह से नाइन्थ को भी दो वे से। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 के पावर है 9।
और 2^9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 500। तो टोटल 512 मैट्रिसेज आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बनेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।